सजीर बाइक गुरु चैनल में आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सजीर बाइक गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो गाइस फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। जो मेरे पास ये बजाज पल्सर बाइक जो है मैंने खुद ख़रीदा है और ज़्यादा दिन नहीं हुआ, जैसे कि 8 दिन हुआ। और ये बाइक अचानक आज क्या हुआ, बाइक जब सेल्फ स्टार्ट दबा रहा हूँ तो इंजन घूम रहा है और बाइक जैसे कि स्टार्ट नहीं हो रहा है, करंट नहीं आ रहा है। मैंने चेकअप किया, इस बाइक में किक भी नहीं है देखिए। तो गाइस ऐसा रीज़न अगर होता है, अगर मैं मैकेनिक हूँ तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम फेस हुआ है, बहुत ही दिक्कत हुआ है, बाइक में किक नहीं है और एक्चुअली सेल्फ स्टार्ट हम लोगों का घूम रहा है जैसे कि, लेकिन करंट नहीं आ रहा है। मैंने चेकअप किया, आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप दिखाऊँगा। तो गाइस मेरा खुद का बाइक में मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। अगर कस्टमर अगर बाइक चलाते चलाते अगर बीच में ख़राब हो जाता है तो वो क्या करेगा, तो मैं थोड़ा सलाह देता हूँ। जो कस्टमर है वो अगर अचानक बाइक ख़राब हो जाता है तो उसे नज़दीक या कोई बाइक मैकेनिक को दिखाना चाहिए। और जैसे कि मैकेनिक रहे तो मैं क्या क्या चीज़ फॉलो करता हूँ वो देखिए। तो गाइस इस वीडियो में हम आपको दिखाएँगे सारे सब कुछ। पहले करेंट चेकअप करके दिखाएँगे और जैसे कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है कि हो रहा है वो भी दिखाएंगे, और एक्चुअली इस बाइक को ठीक भी करके दिखाऊंगा क्योंकि मुझे इस बाइक को ठीक करना है, क्योंकि बाइक का मुझे बहुत ज़रूरत होता है। मैं यहाँ वहाँ जाता हूँ, पार्ट्स खरीदने जाता हूँ और मैं सोचा हूँ चलो एक वीडियो बना दूँ अगर आप लोगों के काम आए। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बताते हैं वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला था, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सो गाइस चलिए आप लोगों को दिखाते हैं बाइक में स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। देखिए पूरा हम लोगों का पावर है, जैसे कि यहाँ हम लोगों का डीसी कनेक्शन, वोल्टेज बिल्कुल है, हॉर्न वगैरह सब बज रहा है, देखो इंडिकेटर भी जल रहा है, सब कुछ जल रहा है। अब आप लोगों को सेल्फ स्टार्ट दिखा रहा हूँ, चलो किल स्विच ऑन करते हैं। तो गाइस स्टार्ट नहीं हो रहा है, हर हाल में नहीं हो रहा है। तो चलो आप लोगों को हम करेंट वगैरह चेकअप करके दिखाता हूँ। चलिए तो गाइस मैंने प्लग का कैप खोल लिया है और आप लोगों को दिखाता हूँ पहले फायरिंग आ रहा है कि नहीं। चलो इग्निशन ऑन कीजिए और सेल्फ मारिए, बस 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 बस। तो गाइस यहाँ करंट हम लोगों का नहीं आ रहा है। तो गाइस करंट नहीं आ रहा है, अगर बाइक में करंट मिसिंग हो तो हम लोगों को करंट पहले लाना है। अब करंट किस तरह से लाए, क्या क्या चीज़ को हम लोग चेकअप करें जिसमें कि हम लोगों को पता चले जो करंट क्यों नहीं आ रहा है। करंट एक करंट लाने के लिए हम लोगों को 4 कॉयलों का ज़रूरत होता है, जैसे कि क्रैंक पोजीशन सेंसर, उसे हम लोग पिकअप कॉयल बोलते हैं, पिकअप कॉयल चेकअप करेंगे और डीसी वोल्टेज चेकअप करेंगे और हम लोगों का बाटली कॉयल चेकअप करेंगे और जैसे कि सीडीआई कॉयल में हम लोगों का इनपुट लाइन चेकअप करेंगे। तो सीडीआई कॉयल, बाटली कॉयल, पिकअप कॉयल और जैसे कि वोल्टेज, 4 चीज़ों का ज़रूरत होता है। तो अगर एक भी चीज़ मिसिंग रहे तो बाइक स्टार्ट नहीं होगा। अब हम आपको दिखाते हैं क्या चीज़ मिसिंग है, हम आपको दिखाते हैं चलिए। तो गाइस चलिए हम सब कुछ खोलते हैं, टैंकी वगैरह सीट कवर खुलिए। सो गाइस मैंने पूरे बाइक का सिस्टम खोल लिया है, अब आप लोगों को दिखाऊंगा जो इसका इग्निशन लाइन क्यों नहीं आ रहा है। तो गाइस हमको पता कहां से चलेगा जो हमारा जितना भी पार्ट्स वगैरह है कहां पर फोल्ड हुआ है, तो हम लोग यहीं से पता कर सकते हैं, जो हम लोगों का सीडीआई का जो कपलर है गाइस इससे पता कर सकते हैं। तो चलो सीडीआई को बाद में रखते हैं, बाजू में रखते हैं। अब यहाँ हम लोग जैसे कि चेकअप करेंगे, एक सीडीआई यूनिट जो है वो जैसे पूरे बाइक को कैप्चर करता है, जैसे इग्निशन लाइन को कंट्रोल करता है। अब यहीं से इनपुट भी आता है और आउटपुट भी आता है। तो चलिए सब आपको तैयारी करते हैं जो कौन सा वायर कौन सा काम का है, उसके बाद आप लोगों को डिटेल्स देता हूँ जो चेकअप करके बताता हूँ क्या एक्चुअली मिसिंग है, क्या प्रॉब्लम है, किसका कारण इग्निशन लाइन आता है। तो गाइस सबसे पहले हम आते हैं ये बड़ा वाला कपलर में और छोटा वाला कपलर के बारे में बाद में आपको बताता हूँ। तो यहाँ देखिए इसमें हम लोगों का 4 वायर अटैच है, तो 4 वायर में कलर क्या क्या है सब कुछ आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ देखिए जो सादी कलर है और रेड कलर, वाइट कलर और रेड कलर, इसमें हम लोगों का मैग्नेट से क्रैंक पोजिशन से सेंसर की जो हम लोगों का डिटेक्ट करता है, जो पिस्टन हम लोगों को क्रैंक पोजीशन सेंसर जो बोलते हैं पिकअप कॉयल, ये रीडिंग आएगा पिकअप कॉयल का पॉइंट, ठीक है। ये कितना पॉइंट आना चाहिए वो भी आप लोगों को बताता हूँ। पहले आपको बताया कौन सा वायर कौन सा काम का है, वाइट में रेड। अब चलिए आपको बताते हैं इस वायर के बारे में। गाइस यहाँ ब्लैक में जो पीला कलर की वायर है ये हम लोगों का बॉडी अर्थ है,
जैसे कि ग्राउंड, तो इंग्लिश में ग्राउंड बोलते हैं। आप लोग ग्राउंड नहीं पहचानते हैं, ग्राउंड किसको बोलते हैं गुरुजी? तो ग्राउंड हम लोग बोलते हैं बॉडी अर्थिंग को। चेसिस में होता है, बैटिंग में होता है, नेगेटिव में, हर किसी जगह में हम लोग ग्राउंड होता है। तो ग्राउंड हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्राउंड, और बांग्ला में हो या हिंदी में हो हम लोग बॉडी अर्थिंग बोलते हैं। तो बॉडी अर्थिंग पीला में ब्लैक में आएगा। अब सवाल है, दोनों वायर है। तो गाइस यहाँ देखिए, जो हम लोगों का रेड में स्टील कलर है, जैसे सिल्वर कलर, रेड में जो सिल्वर कलर है गाइस, इसमें हम लोगों का जैसे कि डीसी वोल्टेज आएगा। कहाँ से आएगा? जब यहाँ इग्निशन ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद किल स्विच पे आएगा। किल स्विच जब ऑन करेंगे, किल स्विच से हम लोगों का यहाँ तक आएगा, ठीक है। कुछ कुछ बाइक में यहाँ हम लोगों को रिले देखने को मिल रहा है, तो फिलहाल एक बाइक में रिले नहीं है, तो रिले से डायरेक्ट नहीं होकर नहीं आता है, डायरेक्ट यहाँ से किल स्विच यहाँ आता है। अब सवाल है गाइस, ये वायर किस काम का है? तो गाइस ये वायर हम लोगों का जो इस बाइक में फिलहाल दिया गया है, मीटर कंसोल में अगर हम लोग आरपीएम दे, जैसे कि पिकअप दे, एक्सीलेटर दे, तो हम लोगों का आरपीएम का कांटा हम लोगों का जैसे कि हाई लो होगा। जितना हम पिकअप देंगे, कम करेंगे, यहाँ हम लोगों का शो होगा। तो इस बाइक में जो ब्लैक कलर में रेड वाइट कलर है, ये हम लोगों का आरपीएम मीटर काम करता है। अब सवाल है, हम लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या देखना है गाइस? इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या है आपको बताता हूँ। पिकअप कॉइल की रीडिंग चेकअप करना है, बॉडी अर्थिंग चेकअप करना है, वोल्टेज चेकअप करना है, ठीक है। अब सवाल है, ये दोनों वायर इस कपलर में दिया गया है, ये कौन सा काम का है? तो गाइस ये हम लोगों का आउटपुट है, यहाँ से डायरेक्ट चल जाएगा बाटली कॉइल तक। यहाँ देखिए, दिखाइए, एक बाटली कॉइल यहाँ है और एक बाटली कॉइल यहाँ है। तो ये हम लोगों का आउटपुट वायर है। ये कब ज़रूरत होता है? जब बाइक में, जब से कि हम लोगों का बाटली कॉइल में करंट अगर जाता है और बाटली कॉइल जैसे कि करंट नहीं दे पाता है, तो वो हम चेकअप करेंगे, तो वो आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम लोग इनपुट लाइन चेकअप करेंगे, उसके बाद आप लोगों को आउटपुट लाइन के बारे में बताता हूँ। तो चलिए, जैसे कि हम लोगों को चेकअप करने के लिए एक मल्टीमीटर की ज़रूरत होता है, और अगर मल्टीमीटर ना रहे तो हम लोग लैंप की मदद से भी हम लोग जैसे कि पता कर सकते हैं। तो चलो हम आपको बताते हैं, मल्टीमीटर हम लोगों का बेहतर होता है। अभी आज की घराना में जितना भी मैकेनिक है, सभी भाई लगभग मल्टीमीटर यूज कर सकते हैं। और अगर आप लोग मल्टीमीटर जैसे कि यूज करना नहीं जानते हो, अगर आप लोग चलाना सीखना चाहते हो, मल्टीमीटर को हम लोग यूज किस तरह से करें, जैसे कि वोल्टेज किस तरह से मापे, पिकअप कॉइल की रीडिंग किस तरह से मापे, बॉडी अर्थिंग का रीडिंग किस तरह से मापे, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है मल्टीमीटर में, आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेकअप करेंगे इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, तो वोल्टेज पे करेंगे मल्टीमीटर को, जैसे कि यहाँ 20 पे किया। पहले हम लोग इग्निशन ऑन करेंगे गाइस, और किल स्विच को भी ऑन करेंगे। अब यहाँ देखिए, जो हम लोगों की इस वायर पे जो सिल्वर में रेड कलर है, इसमें हम लोगों का 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है कि नहीं। एक वायर इसमें लगाया और एक वायर यहाँ अगर लगाया, तो हम लोगों को 12 वोल्ट की सप्लाई दिखा रहा है, और बॉडी अर्थिंग यहीं से भी मिल जाएगा, ब्लैक में पीला जो है, यही भी हम लोग चेकअप कर सकते हैं। यहाँ से अगर चेकअप करेंगे बॉडी अर्थिंग के साथ, तो हमको एक साथ दो चीज़ पता चल जाता है, जैसे कि वोल्टेज और बॉडी अर्थिंग। तो चलो बॉडी अर्थिंग पे लगाया, तो गाइस इससे हमको पता चलता है, जो हम लोगों का वोल्टेज बराबर आ रही है, तो बॉडी अर्थिंग भी बराबर आ रही है। और यहाँ से अगर जैसे कि मान लीजिए वोल्टेज दिखा रहा है और ब्लैक में पीला जो है, यहाँ से अगर हम लोगों को नहीं दिखा रहा है, तो अभी फिलहाल दिखा रहा है, अगर नहीं दिखाएगा तो आप लोगों को बॉडी अर्थिंग कहीं वायरिंग खोल के देखना पड़ेगा, वायरिंग के साथ अगर संपर्क कहीं टूट जाए तो बॉडी अर्थिंग नहीं आएगा, बॉडी अर्थिंग अगर नहीं आएगा तो बाइक में इग्निशन लाइन नहीं बनेगा। तो चलो बॉडी अर्थिंग भी हमको पता चल गया और जैसे वोल्टेज भी पता चल गया। अब हम लोग चेकअप करेंगे पिकअप कॉइल की रीडिंग। तो गाइस पिकअप कॉइल की रीडिंग हम लोग दो जगह से चेकअप कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्टिनी पर भी और ओम्स पर भी। तो सबसे पहले कॉन्टिनी पर हम लोग चेकअप करेंगे इसका रीडिंग कितना आ रहा है। तो चलिए व्हाइट में जो रेड है, इसमें हम लोग एक वायर लगाएंगे, ठीक है, और एक वायर जैसे कि बॉडी अर्थिंग में। तो यहाँ हम लोगों को दिखा रहा है 225 रीडिंग दिखा रहा है। तो फिलहाल बजाज कंपनी का जितना भी बाइक है, 200 के ऊपर अगर आए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, रीडिंग सही आ रहा है। अगर पिकअप कॉइल का जैसे कि हम लोगों का ताकत कम जाएगा, तो रीडिंग इसमें हम लोगों को नहीं दिखाएगा और जैसे कि हम लोगों को बदलना पड़ेगा। तो फिलहाल इस बाइक में हम लोगों का रीडिंग सही दिखा रहा है, 225-24 दिखा रहा है, कोई टेंशन नहीं। तो हमने क्या देखा, वोल्टेज भी बराबर आ रही है, बॉडी अर्थिंग भी बराबर आ रही है, और पिकअप कॉइल की रीडिंग भी बराबर आ रही है। अब सवाल है, इस वायर को हम लोग चेकअप नहीं करेंगे, ये वायर हम लोगों का इग्निशन लाइन के लिए नहीं है, आप लोगों को बताया आरपीएम के लिए है। अब सवाल है, इस वायर पे हम लोगों का वोल्टेज जा रहा है कि नहीं। तो गाइस चलिए हम आपको दिखाते हैं,
जैसे कि हमने कपलर लगा लिया, अब इस वायर में हम लोगों को वोल्टेज देखना है। अब वोल्टेज यहाँ से हम लोग किस तरह से देखें हम आपको बताते हैं गाइस, ठीक है। तो चलो इसको लगा देते हैं, लगाने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ हम लोग वोल्टेज चेकअप करें। तो चलो इसको रख देते हैं, इनपुट लाइन है, ठीक है। तो इनपुट लाइन में हम लोग चेकअप करेंगे, जो हम लोगों का इनपुट CDI का जो सिस्टम है ये बिल्कुल बराबर है। अब जैसे कि इनपुट जैसे कि आ रहा है कि नहीं, अगर आएगा तो आउटपुट निकलेगा कि नहीं, उसके बारे में आपको बाद में बता देता हूँ। तो चलिए हम आपको तरीका बताते हैं। एक वायर जिसमें कि हम लोग यहाँ अटैच करेंगे, एक वायर अटैच किया, अब यहाँ देखिए हम लोग सेल मारेंगे, ठीक है। तो गाइस नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, नहीं आ रहा है। तो चलो दूसरे वायर को हम लोग देखते हैं, यहाँ भी एक कपलर है बाटली कॉयल का, कोई कारण से अगर CDI ख़राब हो जाए तो एक बाटली कॉयल में वोल्टेज नहीं आएगा और एक में आएगा। तो चलो हम आपको बताते हैं। तो गाइस यहाँ वोल्टेज हम लोगों का नहीं आ रहा है, इनपुट लाइन जो बाटली कॉयल में इनपुट लाइन नहीं आ रहा है, आउटपुट लाइन जैसे कि CDI नहीं दे पा रहा है। तो गाइस मुझे लगता है CDI कॉयल 100% ख़राब हो गया है, क्योंकि मैंने वोल्टेज देखा, इनपुट लाइन देखा, सब कुछ सही मिला है। अब चलो दूसरा CDI आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ। तो गाइस ये हम लोगों का नया कॉयल है CDI कॉयल, चलो इसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं। इसका पार्ट नंबर दे है DH111118, बजाज पल्सर BS4 बाइक में यही लगता है। तो चलो हम इसे इंस्टॉल करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ये हम लोगों का पुराना है और ये हम लोगों का नया है। तो चलो हम इंस्टॉल करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं जो बाटली कॉयल में हम लोगों का वोल्टेज जा पा रहा है कि नहीं। मैंने कनेक्शन कर दिया है, अब हम लोग चेकअप करेंगे। चलो पहले यहाँ चेकअप कर लेते हैं इस वायर पे, जो बाटली कॉयल में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अब गाइस यहाँ देखिए, चाबी ऑन करते हैं। तो गाइस इसमें हम लोगों का वोल्टेज आ चुकी है, इसका मतलब हम लोगों का जो CDI कॉयल है ये हम लोगों का ख़राब हो चुकी है, इसको हम लोगों को बदलना पड़ेगा। तो मैंने बदल दिया है, अब बाइक में करंट आ गया है। अब आप लोगों को इस पर प्लग में दिखा देता हूँ जो करंट आ रहा है कि नहीं। तो गाइस एक कपलर यहाँ लगा हुआ है और एक कपलर यहाँ लगा हुआ है। तो चलो दोनों कपलर में चेकअप कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, दोनों प्लग का जो कैप है इसमें हम लोगों का वोल्टेज नहीं आता है। तो चलो इसमें आता है कि नहीं। तो गाइस इसमें भी हम लोगों का वोल्टेज आ रहा है, तो चलो इसको लगा देते हैं। तो चेकअप करेंगे जो बाटली कॉयल हम लोगों का सही है कि नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ वोल्टेज मैंने ऑलरेडी रेडी कर लिया है। अब जैसे इग्निशन कॉयल में यहाँ हम लोग अगर मारे तो यहाँ करंट आना चाहिए, तो करंट आ रहा है। अब उस पार का दिखा रहा हूँ, हम लोग करंट मारेंगे तो करंट बराबर आ रही है। तो गाइस बराबर दोनों स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है, और कभी कभी रीजन यही हो रहा है जो हम लोगों का प्लग का कैप है बाटली कॉयल में, कभी कभी एक बाटली कॉयल में करंट आएगा और एक कॉयल में नहीं आएगा। तो इसका भी रीज़न आप लोगों को बता देता हूँ, जो CDI यूनिट है कभी कभी क्या होता है, इसमें हम लोगों का दो वायर आउटपुट वायर दिया गया है जिसमें कि बाटली कॉयल तक पहुँचे। कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर हम लोगों का कोई पार्टीशन होता है, वो पार्टीशन ख़राब हो जाता है, उसका कारण एक बाटली कॉयल पर वोल्टेज आता है और एक में नहीं आता है। तो ऐसा रीजन में भी आप लोगों को CDI यूनिट चेंज कर देना है। तो आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाया। अब चलो बाइक को स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ बाइक स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। चलिए हम प्लग का कैप इंस्टॉल कर लिया है, अब आप लोगों को बाइक स्टार्ट हो रहा है कि नहीं दिखाता हूँ। तो गाइस आज आप लोगों ने क्या सीखा, बजाज पल्सर बाइक BS4 या BS3 की मॉडल हो, सिर्फ BS6 बात देखे, BS6 का अलग सिस्टम है। तो आप लोगों को मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, ये बाइक में लाइन करंट नहीं आ रहा था और बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। ये मेरा खुद का बाइक है, तो मैंने जैसे कि मैं मैकेनिक था और मुझे पता चला और मैंने पूरा चेकअप करके इसका जो CDI यूनिट है मैंने चेंज कर दिया। तो आप लोगों को प्रैक्टिकल इसलिए मैंने दिखाया कि एक इग्निशन लाइन चालू करने में हम लोग को चार कॉयलों का जैसे ज़रूरत होता है। तो आप लोग गड़बड़ा जाते हो, कभी पिकअप कॉयल चेंज कर देते हो, कभी CDI कॉयल चेंज कर देते हो, कभी बाइटली कॉयल चेंज कर देते हो। तो गाइस हम लोगों को डिसाइड बाद में करेंगे कौन सा कॉयल हम लोग का कटा हुआ है, पहले हम लोग ये डिसाइड करेंगे तो एक्चुअली इस बाइक में कौन सा कॉयल बीमारी है। मेहनत जो करता है वही एक दिन कामयाब बनता है।
तो देखो हम लोग अलग अलग कॉइल लगा के सब कुछ देख लेते हैं कि पहले हम लोग CDI लगा देते हैं, नहीं आता है तो बाटली कॉइल लगा देते हैं, पिकअप कॉइल लगाते हैं, लगा लगा के सब कुछ देखते हैं, लेकिन जानकारी कोई भी नहीं बताते और कोई भी नहीं करते हैं। तो मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना। मैंने आपको आप लोगों को जानकारी दिया जो प्रैक्टिकल कौन सा चीज़ हम लोग का मिसिंग है। पिकअप कॉइल मिसिंग है, बॉडी अर्थिंग मिसिंग है, वोल्टेज मिसिंग है। तो अगर जैसे कि पिकअप कॉइल का रीडिंग नहीं आता तो पिकअप कॉइल मैंने चेंज करता, जैसे कि वोल्टेज नहीं आता तो वोल्टेज, जैसे किल स्विच मैंने चेकअप करता, इग्निशन स्विच चेकअप करता, फ्यूज वगैरह चेकअप करता। तो फिलहाल इस बाइक में सब कुछ ठीक था। अब जैसे कि आउटपुट वोल्टेज आ रहा है लेकिन बाटली कॉइल से जैसे कि नहीं निकल रहा था, बाटली कॉइल चेंज करता, तो मैंने पकड़ा इस बाइक में सब कुछ ठीक है। जैसे कि हमने आउटपुट लाइन भी चेकअप किया तो मुझे पता चला CDI यूनिट ख़राब है, और मैंने कन्फर्म 100% होके CDI यूनिट लगाया और बाइक स्टार्ट हो गया। तो गाइस आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटेड वीडियो आगे और भी देखने को मिलेगा। तो गाइस वीडियो कैसा रहा।